तो भाई लोग आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ भाई, यहाँ पे आप बैकग्राउंड के अंदर जो भी मतलब कि गेम प्ले देख रहे हो ना, तो पहले वो मेरी है। कहीं पर भी दूर से बंदा होगा फिर भी आप ऑटो हेडशॉट मार पाओगे, पूरा रेड नंबर ही लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बट उसके लिए यहाँ पे आपको एक सेंसिटिविटी यूज करनी पड़ेगी, एक सेटिंग है। एंड हाँ भाई, यहाँ पे कुछ दोस्तों की मतलब कि फायर बटन की साइज के बारे में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आपको किसी और की वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ ए टू जेड और स्टेप बाय स्टेप। तो भाई यहाँ पे अगर ये गेम प्ले के ऊपर आप भरोसा नहीं आ रहा है तो आपका भाई कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग मोड के अंदर ले जाता हूँ। तो मेरी एक छोटी सी क्लिप ट्रेनिंग मोड की देख लीजिए। तो देख लिया ना भाई लोग, तो यहाँ पे अब देखते देखते यहाँ पे कुछ लोगों ने तो ऐसा भी नोटिस किया होगा। हाँ भाई लोग, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा ही नोटिस करते हैं और नोटिस करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्तों ऐसे भी बोलेंगे मतलब कि ये तो सामने वाले जो गेम प्ले थी तेरी बीआर रैंक वाली और सीएस रैंक वाली, तो मतलब कि उसके अंदर तेरा सेटिंग तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब मतलब कि ऐसे तो ट्रेनिंग मोड के अंदर तो तेरा सब कुछ मतलब कि जो है वो सब कुछ दिखाई देने लगता है, तो मतलब कि ये प्रॉब्लम क्या है भाई तेरी? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है भाई, ये सबके साथ होती है। अगर मैं आपको कुछ भी समझाने जाऊंगा तो भले मेरा अपना आप सेटिंग और सब कुछ आपको मेरे को मतलब कि दिखाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कस्टम एचयूडी मतलब कि है ना वो मैंने हाई कर दिया है, जिससे आप लोग देख सको। और मैंने ट्रेनिंग मोड के अंदर वो पहले ही सेटिंग बता दिया, तो भले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक सेटिंग तो देख ही लिया। तो भाई क्या कर रहे हो यार, अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए गाइस, फाइनली वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए भाई लोग, अगर बिना देरी के वीडियो का करता हूँ स्टार्ट। तो मतलब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कस्टम एचयूडी के बारे में बात करूँगा, जिसके अंदर यहाँ पे हम एक ही सेटिंग के अंदर बात करेंगे जिसका आपका फायर बटन का साइज कितना रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसी के कारण यहाँ पे आपको जो सेंसिटिविटी है ना वो उस तरीके से रखना है जिस तरीके से यहाँ पे आपका फायर बटन साइज है ना उसी तरीके से। तो भाई उसके मतलब कि माइनस प्लस वो सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसका मतलब कि मेन कारण क्या है, तो भाई लोग यहाँ पे मेन रीज़न क्या है उसका, तो भाई लोग यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा जो फायर बटन का साइज है वो मैं 42 रखता हूँ। उसी तरीके से आपको सेंसिटिविटी भी यूज करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो यहाँ पे वो सब कुछ किया है तो मैं आपको यहाँ पे ए टू जेड बता दो, प्रो प्लेयर यहाँ पे किसी को भी नहीं बताते, बट यहाँ पे आपका भाई सब कुछ बताने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैं फ्री लुक को आपको बता दूं, फ्री लुक को यहाँ पे फायर बटन के साइज कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्री लुक का ऑप्शन ही कुछ अलग होता है, उसका बटन साइज ही कुछ अलग होता है, उसका तो आप किसी भी तरीके से रख सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं आपको 50 करके दिखा देता हूँ। एंड हाँ बोले, यहाँ पे आपको स्नाइपर कितना रखना है, 30 तक ही रखना है। अगर आप स्नाइपर ज़्यादातर चलाते हो दोस्तों तो मतलब कि उसको माइनस में या तो प्लस रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 2x एंड 4x है ना, तो मतलब यहाँ पे आपको कितना रखना है उसको आपको मतलब कि डिवाइडेड 2 कर देना है, मतलब कि 20 प्लस कर देना है। अगर आपको 42 आप फायर बटन साइज है, मेरी फायर बटन साइज 42 थी, तो उसके अंदर मैं 20 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 20 ऐड करने से 62 हो गई ना दोस्तों। तो यहाँ पे इसी वजह से आपका फायर बटन की जो साइज होती है ना उसको मतलब हेडशॉट मारने के लिए मतलब कि ज़्यादातर मस्त रहता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे आपको जो जनरल है तो वो किस तरीके से आपको रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जनरल है ना वो आपको मतलब कि किस तरीके से रखना है वो आपका मोबाइल का रैम वाइज आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2GB 3GB 4GB इस तरीके से मोबाइल होता है, उस तरीके से रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपका पास मतलब कि दोस्तों अगर 12 या 8GB तक मोबाइल है तो 20 या 25 तक रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसी तरीके से मस्त रहेंगे। एंड हाँ भाई, यहाँ पे आपके पास 8GB मतलब कि 4GB से प्लस मोबाइल है, 4GB 6GB
उसके बाद यहाँ पे 2 GB तक है तो आपको 95 या 90 तक रख सकते हो, बहुत ही मस्त तरीके से आपका ऑटो हेडशॉट लगेगा। एंड हाँ मतलब यहाँ पे आपको मतलब कि जो मेन रीज़न वही है कि आपको मतलब कि रेड डॉट आपका फायर बटन के साइज तरीके से रखना है, बट उसको आपको किस तरीके से डिवाइडेड करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको प्लस करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हमने मतलब कि इतना रखा था 42 होता था ना हमारा जो फायर बटन की साइज, उसको हमने दुगना कर दिया, यहाँ पे हमको दुगना करेंगे तो यहाँ पे 84 होता है। तो पहले इसी तरीके से आपको मतलब कि करना अपना फायर बटन की साइज, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है और मतलब कि माइनस करनी है, वो सब कुछ मेरी तरीके से करना है। एंड हाँ बोलो वो आपके मोबाइल के हिसाब से बराबर हो जाएगा और मेरे हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से हुआ। तो पहले आपके मोबाइल के किस तरह से हिसाब से होता है वो मतलब कि मुझे कमेंट में बता देना। एंड हाँ बोलो आपको भी इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ बोलो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी मतलब कि जय श्री राम लिखता है मुझे कमेंट में, तो भाई क्या कर रहे हो, कमेंट में जय श्री राम तो लिख ही दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे दिल से। तो चलिए भाई आज की वीडियो यही तरह रखेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।